one of the best thing about Bangalore is the transportation and the communication facilities. I mean, airport ka network itna strong hai na, you won't believe ki Bangalore se Mumbai ke liye daily 34 se zyada flights hai. Yeah, this is just amazing. कि आप सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे इतनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. पर चैलेंज सिर्फ एक है कि एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो आपको अगर कोई भी फ्लाइट कैच करनी है तो आप कम से कम अपने घर से पहले 3-3.5 घंटे पहले निकलना होता है. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर ब्लॉग. आज की डेट है 1st of October 2022 और सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 5:45 और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए. देर इज अ मीटअप ऑन 2nd October टुमारो एंड गांधी जयंती एट द मुंबई. वेरी एक्साइटेड. लास्ट मैं मुंबई गया था 11th October 2021 को और अब एक साल बाद मैं वापस जा रहा हूँ मुंबई. बहुत एक्साइटेड हूँ सभी बच्चों से मिलने के लिए, बच्चे बहुत एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए. एंड लॉट ऑफ अदर टीचर्स विल बी जॉइनिंग मी, सो आई विल टेक यू इन दिस व्लॉग थ्रू द मुंबई मीटअप. सी यू देयर. मेरी क्लास है अभी 7 बजे एंड इट्स ऑलरेडी 6 o'clock. एक घंटे में मुझे ये पूरा सिक्योरिटी क्लियरेंस करना है. आज बहुत ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही, मुझे लग रहा है 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली. लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद वहाँ जाके कुछ खाने पीने के लिए लूँगा, उसके बाद आई विल फाइंड आउट अ प्लेस टू सिट जहाँ पे मैं बैठ के क्लास ले सकूँ. हेलो गाइस, सो आपको पता है जैसे कि मैं अभी यहाँ बैंगलोर एयरपोर्ट पे हूँ और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबकी क्लास और इंटरमीडिएट की क्लास चल रही है और सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें एक ब्लॉक के अंदर कवर करो. तो एक बार सब जने आपसे हाय कहने वाले. यहाँ पे ये सारे नादान परिंदे लाइव चैट में लिख रहे हैं और फिर बाद में यही ब्लॉग आने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेके डालेंगे कि हाईला मैं ब्लॉग में हूँ. सो अभी स्टिल मैं क्लास ले सकता हूँ आधा घंटा और. गेट अनाउंस हो चुका है, गेट नंबर 29 से फ्लाइट जाने वाली है. गेट नंबर 29 है बेसमेंट में और मुझे उसके लिए बेसमेंट में जाना पड़ेगा. फाइनली आई हैव अराइव्ड टू मुंबई एंड इट इज सच एन अमेजिंग फीलिंग, आई कांट टेल यू. अलग ही सेंटिमेंट्स जुड़े हैं महाराष्ट्र से. आई लेफ्ट पुणे, शिफ्टेड बैंगलोर एंड नाउ बैक इन मुंबई. रनिंग फॉर सम रीजन कोई प्लान ही नहीं बन पा रहा है पुणे जाने का. इच्छा बहुत है बट पता नहीं, कोई प्लान ही नहीं बन पा रहा है. बट कोई बात नहीं, मुंबई तो है. जब तक मुंबई का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट नहीं बना था तब तक दिल्ली का टर्मिनल 3 तो जो था वो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट था, सबसे स्पेशियस एयरपोर्ट था, सबसे वंडरफुल एयरपोर्ट था. बट मुंबई का T2 बनने के बाद तो सारा गेम ही चेंज हो गया. और मुंबई का ये जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 2, दिस इज एन एयरपोर्ट वर्थ वॉचिंग. अगर लाइफ में कभी भी चांस मिले तो यार ये एयरपोर्ट ज़रूर देखना, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड मुझे याद है मैं अभी भी ये एयरपोर्ट पर आया था 2014 में सबसे पहली बार जब ये नया नया बना था. हम लोग मलेशिया गए थे एंड इट वॉज वेरी वेरी वंडरफुल. उसके बाद तो बहुत बार आया हूँ मैं एंड इट फील्स स्टिल सो अमेजिंग. इट्स 1:10 इन आफ्टरनून एंड आई रीच्ड होटल चेक-इन एट होटल. मुंबई में गर्मी काफ़ी है, बैंगलोर के कंपेरिजन से क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है. एंड मैं क्विकली यहाँ चेक इन करता हूँ. चेक इन करने के बाद में आई विल बी ऑफ टू द वेन्यू, जस्ट गो एंड डू रेकी ऑफ द अरेंजमेंट्स. लेकिन अभिषेक बंसल सर यहाँ पे आए हैं मेरे साथ, ये पीछे आप देख सकते हैं. तो उनके साथ मैं यहाँ पे लंच करता हूँ पहले, देन आई विल बी ऑफ टू द वेन्यू. तो फाइनली मैं यहाँ मुंबई पहुँच चुका हूँ. रूम में कर रहा हूँ एंट्री एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन मुंबई. बहुत ही प्यारा होटल है. लुक एट दिस बाथरूम. सो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मुंबई और मुंबई में लंच टाइमिंग हो चुका है. इट्स ऑलरेडी हाउ मच, इट्स ऑलरेडी 1:41 और देखो यहाँ पे मैं किससे मिलने आया हूँ. हाय सर, गुड आफ्टरनून.
हाय 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 एवरीवन, सो सीए अभिषेक बंजल द लेजेंड अभिषेक बंसल सर, स्वागत। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे का कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग फेस टू फेस। यस, और ओवर लंच यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत दूर है, बहुत ट्रैवल करना पड़ा आपको? बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मेट्रो बन रहा है यहाँ पर। सो आई थिंक आई ट्रैवल अराउंड 1 hour 45 minutes, अभी वापस से 2 घंटा लगेगा जाने के लिए, बट द मीटिंग वॉज वर्थ। एंड क्योंकि अंशुल सर अगर हमारी मुंबई में आए तो मैं ना मिलूँ ऐसा हो नहीं सकता। अमेजिंग। क्विकली कैच यू अप लेटर इन द व्लॉग। अभी सर से करता हूं बात, हम लोग कर रहे हैं साथ में लंच, और लंच करने के बाद मैं जा रहा हूं मेन्यू पे रेकी करने के लिए ताकि कल का मीटअप अच्छा हो। आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। लॉट्स ऑफ लव टू यू। व्हाट सर, के व्लॉग में होंगे? ओह माय गॉड सर, वीडियो ले ले सर। हेलो, अभी क्या कर रहे हैं? लेवल देगा सो हम लोग हम लोग यहाँ पे मुंबई की गर्मी में सड़कों पे वॉक करवा रहे हैं। कैसी प्लानिंग है? ये लोग यार वॉक करवा रहे हैं, बताओ। कुछ प्लान नहीं करके रखा, और सबसे सबसे बेकार इंसान है ये। कल सुबह मीटअप करने से पहले यू नो आदर्श सर वॉन्ट्स टू गेट इन टू द शेप। सो आप यहाँ देख रहे हैं, नो वार्म अप, नो स्ट्रेचिंग, बंदा सीधा डंबल लेके पोज दे रहा है। आता आता कुछ नहीं है, बट पोज दे रहा है। हमारी जिंदगी में हम बहुत भाग दौड़ करते हैं और अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, और सपनों को अचीव करना और भी अच्छी बात है। कुछ स्पेसिफिक एजेंडा लेकर आए हैं कि हमें यहाँ का वड़ा पाव खाना है और पाव भाजी खाना है। मुंबई या पाव भाजी बहुत जगह फेमस है, तो आप जिस भी शहर में हैं, आप वहाँ पे ऑफन देखते होंगे कि काफ़ी बार आपके पाव भाजी के मेन्यू कार्ड में स्पेसिफिक एक मेन्यू आपको आइटम दिखता होगा, मुंबई पाव भाजी। सो व्हाट्स एग्जैक्टली दिस मुंबई पाव भाजी? तो 1965 से एक रेस्टोरेंट चल रहा है जिसके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसका नाम है डीपी एंड इट इज़ इन द एरिया माचुंगा, और यहाँ पे हम लोग आए हैं पाव भाजी खाने के लिए। तो टेबल इज़ अवेलेबल ओवर देयर, एंड लेट्स सी यहाँ की पाव भाजी कैसी होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंड यार रियली मुंबई आए और खाना नहीं खाया, ऐसा कोई मज़ा नहीं है भाई। शिफ्ट हो जाएगा अंदर, फंस तो नहीं गया? जबरदस्त। तो हम लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी बार जो चीज़ें सुनते हैं ना उसमें बिलीव कर लेना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार खुद को कहते हैं ना ट्राई करके बिलीव करना चाहिए। इसे कहते हैं पहले विश्वास, पहले क्या करें, इसलिए इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यार बिलीव मी यार, बहुत अमेजिंग पाव भाजी है। तरस गया था भाई लोगों ये पाव भाजी खाने के लिए। थैंक यू सो मच भाई सभी लोगों को। कुछ बोलो भाई, क्या अटकी है पाव भाजी? अभी मुझे ना जबरदस्त वन ऑफ द माय के सुप्रीम की पाव भाजी की याद आ रही है मुझे। मेरे को खास नहीं लगी यार सुप्रीम की। ये जो थी ना अच्छा था, पुणे में भैरुनाथ पाव भाजी वाला है, पिंपरे सौदागर में। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो एंड व्हेन यू गो आस्क मी कहाँ पे खड़ा रहता है ठेले वाला है। ये भी फेल है उसके सामने, बट मैं इसको अभी जज कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ बैंगलोर की पाव भाजी से। यार माइंड ब्लोइंग, मजा आ। पानीपुरी शॉर्ट्स वर अमेजिंग, आपने देखा होगा व्लॉग के अंदर। मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, आपके शहर में पाव भाजी कैसी मिलती है, और आपके शहर में जो सबसे बेस्ट है ना पाव भाजी वाला वो कौन है, कमेंट में जरूर लिख के बताना मेरे को। Guys, welcome back to channel. 2nd October 2022, live from Mumbai. So it is 8:15. Wait a minute.